बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से मिल रही है, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे इसको लेकर तिथि का ऐलान हो गया है। तो 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे सुबह 6:10 पर। तो केदारनाथ के कपाट ऊखी मठ से 26 अप्रैल को बाबा केदार की जो डोली है वो रवाना होगी गुप्त काशी होते हुए। 28 अप्रैल को केदार धाम पहुंचेगी बाबा केदार की डोली। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान हो गया है। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे सुबह 6:10 पर ये कपाट खुलेंगे, जहां ऊखीमठ से 26 अप्रैल को बाबा केदार की चल विग्रह डोली रवाना होगी। और अजीत कांबोज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, तिथि का ऐलान यहां पर हो गया है, यानी कि अभी से ही तैयारियां अब से शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, जिस तरह से ऊखीमठ से ओंकारेश्वर मंदिर के माध्यम से पूजा अर्चना के बाद तिथि घोषित की गई है और 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं उनको अब तेजी दिखाई जाएगी। और जिस तरह से जिला प्रशासन ने कुछ ही समय पहले पैदल दौरा किया, डीएम और जो एसपी रुद्रप्रयाग है उन्होंने दौरा किया था, पैदल रास्ते का उन्होंने भ्रमण किया, जहां भी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तत्काल में। जो सरकार की कोशिश ये होगी कि अब जब तिथि का ऐलान हो चुका है 29 अप्रैल को सुबह 6 बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे, तो सरकार की कोशिश भी यही होगी कि व्यवस्थित तरीके से यात्रा का संचालन हो और इसके लिए बेहतर जो वहां पर चीजें हैं उनका निर्माण किया जा सके। और स्थापना जैसी जो सुविधाएं वहां पर दी जानी है उनकी तैयारी होगी, तो तमाम चीजें अब और तेजी में होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, और जो वहां पर कार्य होने हैं उनमें भी तेजी आएगी, जो व्यवस्थाएं वहां पर श्रद्धालुओं के लिए की जानी है। बिल्कुल, जिस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक वहां पर चलती मिलती नजर जरूर आ रही थी, लेकिन अब जब तिथि का ऐलान हो चुका है तो ऐसे में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि जो वहां पर निर्माण कार्य है उनमें तेजी दिखाई जाए और उनको तेजी से पूरा किया जाए। आने वाले समय में जो भी श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, तो उनको सारी सुविधाएं देना शासन की जिम्मेदारी होगी। मतलब जिला प्रशासन है जो स्थानीय स्तर पर काम को देखता है उसके ऊपर भी जवाबदेही तय होगी कि कैसे वो निर्माण कार्य में तेजी से पूरा करे और जो आने वाले समय में जो दिक्कतें हैं वो दूर की जा सके। चलिए, धन्यवाद आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।